नए साल के पहले दिन रतनपुर में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की काफी भीड़ देखने को मिला। नया साल बेहतर ढंग से जाए इसके लिए भक्तों ने मां महामाया से आशीर्वाद मांगा। इतना ही नहीं, खूंटा घाट बांध में भी पर्यटकों का जमावड़ा देखने को मिला, जहां लोगों ने वनभोज का आनंद लिया। नए साल के आगमन पर पर्यटन नगरी रतनपुर में पूरे दिन आनंद और उत्साह का माहौल बना रहा, जिनमें आदि शक्ति माँ महामाया देवी के मंदिर में नववर्ष के आगमन की खुशी में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखने को मिली और भक्तगण अपने दिन की शुरुआत माता रानी के दर्शन से की और अपने आने वाले साल को खूबसूरत बनाने की खातिर आशीर्वाद प्राप्त किए। ये बहुत बचपन से परंपरा बनी हुई है कि हम लोग नए वर्ष में महामाया जी का आशीर्वाद लेते हैं कि पूरे 365 दिन हम अपने कार्यों में सफल हों, और उसी नियम के अनुसार आज भी महामाया के दर्शन किए हैं। रतनपुर नगर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद खूंटा घाट बांध पर्यटन की दृष्टि से शब्दों में इसकी सुंदरता का बखान नहीं किया जा सकता। प्रकृति की हसीन वादियों में चारों तरफ छोटे छोटे सर्पाकार वनाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं से घिरे हरितिमा की चादर उड़े और चिड़ियों की चहचहाहट की मधुर ध्वनि में रतनपुर के खूंटा घाट का नजारा नए साल में देखते ही बन रहा था, जहां सुबह से ही सैलानियों की भीड़ उमड़ी और सारे लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं व बधाई देते हुए हर किसी के चेहरे पर उत्साह, उमंग और मुस्कान बिखरी हुई दिखाई पड़ रही थी। इस मनोहारी छटा में स्थानीय तथा बाहर से आए हुए पर्यटक समूह में बैठकर पिकनिक मनाते हुए और किटी पार्टी का लुत्फ उठाते हुए दिखाई पड़े। बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली और इतने सारे लोग सबके साथ अच्छा लग रहा है। एक दूसरे को सब बधाइयां दे रहे हैं, यहाँ अच्छे पकवान उसका मजा ले रहे हैं। पे हम लोग अपनी सहेलियों के साथ आए हैं, हमारी बाकी सहेलियां उधर हैं और हम लोग किटी पार्टी ग्रुप से हैं, हम लोग यहाँ अपना पार्टी मनाने आए हैं। नए साल के पहले दिन के इस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ एक मेले में तब्दील हो गई थी और नार के दोनों किनारों पर विभिन्न प्रकार की सुंदर दुकानें लगी हुई थी, जिनमें अस्थायी होटल, भेलपुरी, गुपचुप, चाट और बच्चों के खिलौने आदि की दुकानें लगी हुई थी, जहां पर पर्यटक सांझ ढलते तक मौज मस्ती और सैर सपाटा का मजा लेते हुए दिखाई पड़े। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए रतनपुर से कान्हा तिवारी की रिपोर्ट।